सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सांसद अजय टमटा का विवादास्पद बयान सामने आया है और ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई है, ये अजय टमटा ने कहा। अजय टमटा ने कहा कि घटनाएं बोलकर नहीं आती। चंपावत में दरअसल एक मरीज की मौत हुई थी, उसके बाद जब सवाल पूछा गया था अजय टमटा से तो ये बयान दिया कि घटनाएं बोलकर नहीं आती हैं। ऑक्सीजन की कमी से मरीज की दरअसल मौत हुई थी और इसी पर सवाल पूछा गया था कि क्यों ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर रही। अब बताया जा रहा है कि शुक्रवार को चंपावत निवासी शख्स का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक भी आया और चंपावत से उन्हें हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया था। बताया जा रहा है कि रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। उसके बाद अल्मोड़ा से सांसद हैं अजय टमटा और उनसे सवाल पूछा गया तो उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया। हम लोगों के पास देखिए बहुत सारी चीज़ें, मेरा जो पर्वतीय क्षेत्र है, स्वास्थ्य की सुविधाओं में हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। मैं मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पास भारी डॉक्टरों की कमी है, भारी, बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ को काफ़ी डॉक्टर देने का काम किया। ये ज़रूर है कि हमारे पास कई चीज़ें, जिस मशीनें कुछ ख़राब पड़ी थी, हमने कुछ ठीक भी कराई हैं। आपने बोला ऑक्सीजन की कमी हुई थी, मैं पता कर रहा हूँ उसका, क्योंकि उसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ या अन्य कोई कारण हुआ है तो उसको भी आपने मुझे संज्ञान में दिया है, मेरे संज्ञान में पहले से भी है। मगर ये बहुत सारे कारण रहते हैं। आपको ध्यान में होगा कि पिछले दिनों मैं चंपावत में एक कार्यक्रम में था, एक गाड़ी एक बॉडी को ले जा रहे थे तो जाते समय घाट के पास में एक गाड़ी गिरी और 17 लोग इंजर्ड हुए, डेथ हुई। हमने तुरंत ही हेलीकॉप्टर की मदद से, अब कोई घटना तो किसी से पूछ के तो होती नहीं है। वही वाकई घटनाएं बोलकर नहीं आते, लेकिन आप सरकार में हैं, आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, आप कम से कम ऑक्सीजन की जो कमी है उसको दुरुस्त जरूर कर सकते थे, उसकी पूर्ति जरूर कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी।